Of Car for उसका जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इसका न्यू अपडेट आने वाला है एक महीने के अंदर तो फाइनली न्यू अपडेट आ चुका है अरे तुम्हारे भाई तो एक्सपर्ट है भाई, ओके, तो फाइनली एडिट वाला अपडेट आ चुका है एडिट वाला अपडेट क्या है मतलब की हम अपने शोरूम को खुद से एडिट करके बना सकते हैं लिटली आपने अगर माइनक्राफ्ट खेला है ना आपको पता होगा कि माइनक्राफ्ट में हम ब्लॉक से अपना मनपसंद घर बना सकते हैं मतलब जैसा चाहे वैसा डिजाइन दे सकते हैं तो सेम टू सेम इसके अंदर भी हम वैसा ही कर सकते हैं अपने शोरूम को जैसा चाहे अपने मनपसंद का डिजाइन दे सकते हैं ओके वो अलग बात है कि मेरे को पता नहीं है भाई खेलना कैसे या डिजाइन करना कैसे है बाकी हमने इसको खेला गाड़िया भी की है गाड़ियां हैं खरीदी हैं ड्रैग रेस किया है बहुत सारी चीजें की हैं लेकिन एडिट कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा थोड़ा सा तो देखते हैं लैपटॉप पे सॉरी कंप्यूटर है हमारा एडिट मोड सेट ये तो खरीदना पड़ेगा हमको ओके okay, तो बयासी रुपये में मैं परचेस कर लेता हूँ या एड देख रहा हूँ ऐड तो अवेलेबल नहीं आ रहा तो मेरे को पैसे कर करने ही पड़ेंगे तो ठीक है मैं थोड़ा सा परचेस कर लेता हूँ इसको बाद में मिलता हूँ आपसे एक सेकंड रुक जाइए वेट कर लीजिए ओके okay, तो फाइनली मैंने इसको परचेस कर लिया आप देखते हैं okay, ओके तो अल्लाह खोज चुका है भाई पैसे उठे हैं हमारे <laughs> प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा लो इसके लिए तो प्लीज़ यार प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा लो और चैनल पर न्यूज तो सब्सक्राइब कर लो यार पैसा उठा दिए मैंने वैसे मैं एड भी देख सकता था लेकिन भाई वो अवेलेबल ही नहीं था लेकिन क्या कर सकते हैं मेरे को वीडियो बना के आपको बताना था कि क्या करना है तो कुछ नहीं करना आपको जाना है इस पे कंप्यूटर पे और आपको कुछ नहीं करना एडिट वाले मोड पर जाएंगे तो देख सकते हो ये तो हमारा डिजाइन वाला हो गया जो हम अपने कैंटर वेंटर को डिजाइन कर सकते हैं ये तो ऑलरेडी पहले भी था लेकिन हमें जाना एडिट ऑफिस एडिट मोड पे और उसके बाद जाना है नीचे ऑफिस अपग्रेड अब अपग्रेड मैंने ऑलरेडी पिछले वाले एपिसोड में कर लिया था लेकिन इन्होंने अपडेट में सब छोटा कर दिया तो मैंने देख सकते हो तो पांच लाख में ये कर लिया और दस में ये कर लिया <laughs> ओके ठीक है क्या हमने फुल्ली अपग्रेडेड कर लिया अपना ऑफिस जितना भी पड़ा हो सकता है मतलब कि एरिया अपडेट किया है अपग्रेड और ऑफिस तो अभी किया नहीं है मेरे को सीखना पड़ेगा तो ऊपर लिखा रहा है मूव डिलीट ओके देखते हैं क्या करते हैं और ये वॉल्स हैं ये हैं एक्सवाइजर तो हेलो टच नहीं मानना ये ओ सेट भाई ये तो बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ऐसा तो भाई लिटरली आपको कंट्रोल करने के लिए ये जॉयस्टिक नहीं है इसको क्लिक करके इधर उधर करना पड़ेगा और ये कैमरा एंगल के जो दो तीन बटन्स हैं इनसे करना पड़ेगा तो अब मैं जिस पे भी मतलब ये जैसे मुझे किसी चीज़ को उठा के दूसरी जगह प्लेस करना है तो उसके ऊपर देख सकते तो ये ग्लास टाइप का वो आ रहा है सर्कल जैसे ये ग्रीन हो गया ओके okay, मैं इसको उठाता हूँ कुछ रहा जैसे कि मैंने इसको किया हैंड वाले पे जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है ना ग्रैप या प्लेस उस पर क्लिक करना है और आपको इसको उठा के लगाना किधर है ओके इधर ही तो लगाना है भाई ये तो हमने परचेस की थी लेकिन लग क्यों नहीं रहा है हेलो लगना चाहिए ना तो हमने परचेस किया है तो और कुछ तो नहीं करना ना ओके okay, देख सकते हो तो भाई जो लिटरली हमने टेक्नो गेमर की वीडियो में देखा था ना सारी सारी चीज़ें करने के लिए सब कुछ ऐड हो चुका है और रात भी हो चुकी है भाई इतना तो नहीं होना चाहिए ऐसा रात कैसे हो गई अभी तो दिन था लेकिन कोई बात नहीं है और मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको फाइव डिग्री चल रहा है यहाँ ठंड हमारे इधर और मैं चेयर पर बैठा हूँ भाई मेरे को सच में मतलब कि ऐसे ठंड लग रही है ना लिटरली बहुत ज़्यादा ओके भाई दबाई तुम्हें भी लग रही है नहीं लग रही है क्योंकि तुम रसाई के अंदर बैठे हो या जो भी आपने ऑर्डर रखा है कम्बल या कुछ एक्स वाई जेड ओके तो प्लीज़ इसके लिए तो लाइक का बटन दबा लीजिए भाई <laughs> कितना लाइक मांगता हूँ मैं कोई बात नहीं तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ तो देख सकते हो हम यहाँ विंडो कर सकते हैं ग्रिल टाइप को पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं भाई अभी तो मेरे को लिटरली कुछ नहीं पता मैं तो न्यू हूँ आपकी तरह ही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप भी थोड़ा सा सीख जाए मेरे से तो आपको कुछ नहीं करना आपको बस ऐसे ही प्लेस कर देना लेकिन मुझे लगता है यहाँ मैं एक गलती कर रहा हूँ क्योंकि अभी नॉर्मल ज़मीन है और हम इधर देखें एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ ओके यहाँ तो प्लेस नहीं हो रहा मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ किधर भी एंगल बना लूँ या इधर से उधर एक मिनट रुको जब मैं कैमरा एंगल या एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें चेंज करके देख लेता हूँ जिससे आप भी अगर गेम खेलो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर इस चीज़ के लिए आप देख रहे हो कि एडिट कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ तो मैं देख लेता हूँ पहले खुद वक्त खुद तो देख लूँ भाई और देख सकते तो इधर आ रहा है तो ये लग रहा है ठीक है अब कमी क्या लग रही है आपको कि कमी मैंने एक चीज़ की मेरे को लग रही है कि जो नीचे वाला पार्थ है जो नीचे वाला टाइल्स है ना शायद ये उसी पे लगता है और मैंने ये जो है हमारे गैराज नहीं शोरूम के आगे वो तो है टाइल्स लेकिन इधर टाइल्स नहीं है इधर कच्ची मिट्टी है तो शायद हमको इधर भी टाइल्स ही बिछानी पड़ेंगी क्या लगता है तुम्हें तो मैं सही कह रहा हूँ या नहीं मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है एक मिनट में और चेक कर लेता हूँ जैसे मैंने ये ग्रेप किया अबे इधर से इधर चलना हेलो अबे एक ग्लीच है क्या भाई एक तो थोड़ा सा अपडेट आता है नया नया तो थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है सीखना पड़ता है अबे चल ना उधर को भाई ये चिमकांडी हिल ही नहीं रहा उस पर ग्रिप तो है ओके थिर दुवार सेट हो गया ओके मेरे को तो यही प्रॉब्लम रही है कि नीचे जो ये नीचे वाली टाइल्स है ना यही लगानी है मेरे को लेकिन ये है किधर एक बेट इससे मिला के देखूँ क्या पता इससे मिल के लग जाए नहीं लग रहा भाई मैं कैसे बताऊँ ओके कोई बात नहीं तो मैं यही करता हूँ एक मिनट को ये 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 वॉल्स अच्छा ये आ गया ना नीचे का शायद यही है ना पत्थर तो ये कि ओ भाई लिटरली यही लगना था भाई मैं इतनी टाइम से यही कर रहा था लेकिन मेरे को सारी चीज़ चीज़ चेक करनी चाहिए अगर भाई चीज़ें चेक नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ करनी है तो मैं जल्दी जल्दी से ये सारा सारा पत्थर नीचे लगा देता हूँ फुल्ली मतलब कि पूरा का पूरा पत्थर लगा देता हूँ नीचे जल्दी जल्दी से और फिर देखते हैं क्या बना सकते हैं इसको मैं सोच रहा हूँ मैं आपको अपना आइडिया बता देता हूँ कि पीछे को तो शोरूम बना दूंगा आगे को थोड़ा सा ग्रीनरी टाइप की छोड़ दूंगा जो गाड़ियाँ प्लेस हो जाएं ओके okay, तो यहाँ से हम छत भी बना सकते हैं मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ एक ओके okay, लेकिन वही मैं टेम्परेली बना रहा हूँ इसको मूव तो करना ही पड़ेगा मेरे को मैं आपको सिखा रहा हूँ पहले एडिट कैसे करना है तो कुछ नहीं करना आपको यहाँ से क्लिक करना है मूव भाई बहुत ज़्यादा ईजी है एक बार आप किसी का वीडियो देख लो तो मेरा ही देख लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है बहुत ओपी होने वाला है अभी तो मैं आपको टम्प्रेली थोड़ा बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ कि आपको करना कैसे है ये तो कुछ नहीं करना आपको बस ये जो हैंड दिख रहे हैं आप आपको दो ग्रीन कलर के जिस पे व्हाइट कलर के ग्रीन वाले सर्कल में तो उन पे बस मूव करना मतलब कि सेट करना और क्लिक करना सेट करना जब ओके okay, तो मैंने भाई काफी ज्यादा कर दिया है हाँ टाइम तो लगता है इसमें करने में लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार भी लगता है धीरे धीरे करो देखो कितना अच्छा लग रहा है मतलब एकदम प्यारी सी साउंड जैसे कि हमने कोई बड़ा सा रॉक तोड़ दिया हो या रख दिया हो मिट्टी पे अच्छा लग रहा है तो मैं काफ़ी टाइम से चाह रहा था ये अपडेट आए अपडेट आए मैं अपना मनपसंद अपना शोरूम अपने हिसाब से विल्ड कर पाऊँ लेकिन फाइनली अपडेट आ चुका है लेकिन इसके जो कंट्रोल्स हैं भाई लिटरली अगर आपने अभी तक प्ले नहीं किया या प्ले कर लिया तो आप सच में आपको भी लगेगा भाई बहुत ज़्यादा सेंसिविटी जो है स्लो है और भाई अजीब तरीके से रिएक्ट होता है इसको खेलने के बाद अजीब लगता है कि ये क्या है भाई वो टच होती थोड़ी सी अच्छी लगती लेकिन टच के साथ कंट्रोल होता है तो ये जॉयस्टिक से नहीं होता तो तो जल्दी जल्दी से ये हमने फैंसिस जो हैं ये यहाँ लगा देता हूँ और ये लग गए ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना अगर चीज़ों को मूव करना है तो आपको मूव पे क्लिक करना है जो ग्रीन को हो रहा है और साइड में डिलीट है डिलीट मतलब कि अगर किसी पे भी हम करेंगे तो उसको डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं ये यहाँ से गायब हो जाएगा तो ये चीज़ है डिलीट तो मैं तो कहूँगा डिलीट मत मतलब ही करना क्योंकि अगर अपने हिसाब से बनाना है तो सारी सारी चीज़ें अच्छी हैं ही तो डिलीट तो बिल्कुल मत करना अगर डिलीट करोगे तो आपको पाँच सौ छः सौ डॉलर का नुकसान हो जाएंगे तो वो अलग बात है मेरे पास अच्छे खासे पैसे थे मेरे पास सड़सठ चौंसठ लाख डॉलर्स हैं तो मैं तो आसानी से बना सकता हूँ लेकिन जो बंदे शुरुआत में करेंगे ना उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पहले तो पैसे इकट्ठे देंगे और उसके बाद इसको बिल्ड करना पड़ेगा हाँ नीचे की जो फ्लोर है ना एक टाइल की कीमत ना 500 सौ डॉलर है मतलब कि हर चीज़ की यहाँ कीमत है तो आप ऐसा नहीं कि फ्री में ही एडिट कर लोगे नहीं कि, हाँ वैसे ही है जैसे कि आपको चीज़ें माइंड में खोद के इकट्ठी करनी पड़ती हैं लेकिन इसमें परचेस करना पड़ता है आपको अपने डॉलर से उसके बाद भाई मेरे को तो ये एडिट मोड भी परचेस करना पड़ गया ओके <laughs> कोई बात नहीं और मैं आपको बता देता हूँ आप परचेस मत करना एडिट मोड आपको बस दस एड्स देख रहे हैं शायद तीस सेकंड के या साठ सेकंड के भी हो सकते हैं तीस सेकंड के होंगे ज़्यादा तो नहीं होंगे लेकिन आपको ऐड तो दिखने पड़ेंगे ही तो दस एड दिखने हैं आपको उसके बाद आप इसको अनलॉक कर पाओगे तो मैं तो मेरे को तो वीडियो अपलोड करनी है तो इसलिए मैंने ये परचेस किया है लेकिन आप अगर आपके पास पैसे नहीं है आप फ्री में खेल रहे हो तो भाई प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा कि आप ऐड ही देख लो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपकी दो सौ ख़त्म हो जाएंगी अगर आपका फाइव चल रहा है तो और अच्छा है तो मैं जल्दी जल्दी से इसको सेट कर देता हूँ वैसे ज्यादा मेरे को करना है नहीं है क्योंकि आगे का एरिया मेरे को अपने हिसाब से सेट रखना है मतलब कि दिमाग में मैंने सोच रखा है कि क्या करना है लेकिन मैं आज के एपिसोड में वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा लेकिन बहुत सारी चीजें मैं आपको करके भी दिखाऊंगा तो बेसिक चीज़ें तो आपने समझ ली होंगी कि कैसे कैसे करना है अगर आपने नहीं समझा तो दोबारा से एक बार रिपीट करके वीडियो देख लो आपको कुछ नहीं करना है जॉस्टिक से इधर उधर करके प्लेस कर देना है ओके ये हो गया और यहाँ मैं एक गिलास ओके गिलास की तरह विंडोज़ हो गए ये विंडोज़ विंडोज़ हाँ खिड़कियाँ तो ये गिलास है साइड में जो सबसे लास्ट वाला है इस पर मैंने क्लिक किया और ये गिलास अगर मैं पूरा पूरा शोरूम गिलास का बनाऊँगा वैसे रेड वाला भी अच्छा लग रहा है ये जो डिज़ाइन है लेकिन अगर मैं प्रॉपर इसको गिलास का बनाऊँ तो कितना अच्छा लगेगा अच्छा तो लग रहा है एक मिनट में बैक जाता हूँ और मैं जाता हूँ गिलास के पास तो कैसा दिख रहा है इस और पर मस्त दिख रहा है यार इतना बुरा नहीं है यार गिलास से बनाया जाए तो और भी अच्छा लगेगा ओके okay, मैं सोच रहा हूँ कि गिलास से बनाया अच्छा है कैसा लगेगा अगर मैं सारी सारी चीज़ें गिलास से बनाऊँ मतलब पूरा पूरा शोरूम गिलास से बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बताना नेक्स्ट एपिसोड बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि हम अपना शोरूम दोबारा से रीबिल्ड करने वाले तो मैं या तो गिलास से बना सकता हूँ या रेड वाले ये गिलास जो है ना जिनकी आउटलाइन रेड है तो उनसे बनाऊँ प्लीज़ कमेंट जरूर करना और ये देख सकते हो तो मैं रूफ बना के देख रहा हूँ कि कैसे लगेगा इसका और थोड़ा सा इधर से मिला देते हैं ठीक है और ये ठीक है और हम इसके ऊपर जाने के लिए सीडिया भी बना सकते हैं वो भी मैं अभी आपको आपको दिखाऊंगा सीढ़ियाँ बना सकते हैं लिफ्ट लगा सकते हैं और हम वो चीज़ लगा सकते हैं उसका मैं नाम नहीं जानता लेकिन वो जो है घूमने वाला जिसके ऊपर गाड़ियाँ घूमती हैं रोटेट व्हील टाइप का जो भी है तो उसको भी लगा सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं भाई करने के लिए लेकिन आपको भी थोड़ा सा समय लगेगा इसको सीखने के लिए और देख सकते हो तो ये नहीं अरे किधर गई रुको जरा मैं आपको दिखाता हूँ ये आगे सीढ़िया हमारी और सीढ़िया किधर लगाई जाए ऊपर लगा सकता हूँ नीचे लगा सकता हूँ कहीं भी लगा सकता हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको साइड से लगाया जाए या अंदर से लगाया जाए ओके अंदर से शायद अंदर से ही ठीक रहेगा क्योंकि अभी मैं बाहर से लाऊंगा तो कोई भी शोरूम के अंदर आएगा तो इजीली एक्सेस करके ऊपर चला जाएगा हमारी गाड़ियां चोरी हो सकती है वो तो चीज़ नहीं है ओके okay, मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन मेरे को इ... कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है मैं इसको कहाँ लगाऊँ मतलब कि लिटरली मैंने हर जगह इसको प्लेस करके देख लिया मतलब कि सेट करके देख लिया लेकिन किसी भी जगह ये अच्छा नहीं लग रहा है मतलब कि इधर भी अच्छा लग रहा है लेकिन मेरे हिसाब से इसको लास्ट में ही लगाना अच्छा होगा जब हमारा शोरूम पूरा रिवील्ड हो जाएगा या हम उसको एडिट कर लेंगे तो क्या लगता है आपको तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी कंफ्यूजिंग है क्योंकि अभी मेरे दिमाग में प्रॉपर इसका आइडिया है कि जितना मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ जिस तरह से तो ये जब मेरा शोरूम है वो काफ़ी लग्जरी मतलब कि खतरनाक लगेगा लग्जरी हो एकदम लग्जरी जिसमें बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं एक्सपाइचर मतलब कि बड़े जैसे आपने देखे होंगे अमेरिका में भाई शोरूम्स देखे होंगे हाँ अगर आप अमेरिका नहीं गए हो तो आपने फ़ोन पे अपने टीवी पे या किसी न चीज़ पे तो देखे ही होंगे ना जैसे कि मैंने देखे मैं भी नहीं गया भाई ऐसी बात नहीं है मैं भी आपकी तरह हूँ खूब मैं अमेरिका अमेरिका कहीं नहीं गया हूँ और मैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने इंडिया में ही नहीं गया <laughs> तो अमेरिका तो बहुत दूर की बात है तो बहुत सारी चीज़ें जानी है जैसे कि ओके ठीक है यहाँ से मैंने इसको मूव किया और मैं इधर से इधर लगा देता हूँ वैसे मैं कहूँ ना तो गिलास से अच्छा वैसे यही लग रहा है और शायद ऐसा करते हैं कि साइड की जो वॉल्स हैं ना वो तो ऐसे ही रेड रखते हैं और जो सामने का फ्रंट है वो रखेंगे गिलास का जो आने जाने वाले लोगों को ना तो हमारा वो एरिया दिखे कि हाँ भाई क्या गाड़ियाँ खड़ी हैं अंदर भाई क्या अमेजिंग अमेजिंग गाड़ियाँ खड़ी हैं लिटरली समझ सकते हो यार तुम अमेजिंग अमेजिंग लगेंगी ओके okay, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये तो विंडो आ गई यार इसको यहाँ नहीं लगाना था मेरे हिसाब से इसको डिलीट करना चाहिए लेकिन शायद बाद में काम आ जाए बैक में डालने के लिए तो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा तो इसको पूरा पूरा रीबिल्ड करता हूँ पहले तुम्हें अरे सेट भाई सिट 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 ओके मेरे से एक बहुत बड़ी वाली गलती हो गई है मैंने अभी चेक किया है कि मैं इतने टाइम से इसको विल्ड कर रहा था मैंने लिफ्ट लगाई है बाकी रूफ बनाई है तो मैंने चेक किया कि जो मैं पानी पीने के लिए उठा था मैंने स्टॉप किया था उस रिकॉर्डिंग को और उसके बाद भाई उस स्टॉप ही रहेगी और मैंने इतना सारा गेम खेल लिया तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से आपको कुछ नहीं करना बस यहाँ से लिफ्ट को क्लिक करना और लिफ्ट को एक एरिया में लगा देना बस इजी इजीजी तो नेक्स्ट एपिसोड अमेजिंग होने वाला है अमेजिंग होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड जो होगा कमेंट में मेरे को बताना क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए कैसी बॉल बनानी चाहिए तो बस आज के लिए इतना ही पसंद आया तो लाइक का बटन दबा लो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट गैम्पले में तब तक के लिए बाय बाय